सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसको बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर मेरे पास मान ले एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री करके ऐसे तीन चीज़ें हैं, और ऊपर मुझे कोई भी एक इक्वेशन है जैसे कि एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू करके ऐसा इक्वेशन है, और मुझे बोला कि ये चीज़ का लैपलास इन्वर्स निकालो। सो ये टर्म कितना डिफिकल्ट लगता है निकालने के लिए, लेकिन अगर इन्वर्स लैपलास सबको पता है कि इन्वर्स लैपलास कैसे किया जाता है, तो इसमें इतना दिक्कत भी नहीं होती। सो सबसे पहले हमको अपना पार्शियल फ्रैक्शन अगर पता है तो उसमें इतना दिक्कत, तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले लैपलास इन्वर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू अपॉन एस माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री, इनको सिलेक्ट करो। ठीक है, अभी ये सिंपल फॉर्म में है, जैसे कि सिंपल फॉर्म में मतलब क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो अगर ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म, मतलब एस एज ए वन एज ए बी, ओके, या फिर इसको मैं प्लस यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड ए प्लस बी ऐसे फॉर्म में, तो इनको मैं क्या करता हूँ कि सिंपल ए अपॉन एस माइनस वन प्लस बी अपॉन एस माइनस टू प्लस सी अपॉन एस प्लस थ्री, ऐसे मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, देन ये टर्म को मुझे एज इट इज लिखना है नीचे, बट यहाँ पर क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, मतलब एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर ए के साथ कौन सी दो टर्म जाएंगी, ये वाली एस माइनस टू एस प्लस थ्री, बी के साथ ये दो एस माइनस वन एस प्लस थ्री, प्लस सी के साथ कौन सी टर्म जाएगी, सी के साथ एस माइनस वन और एस माइनस टू, राइट, ये दो टर्म जाएगी, और डिनोमिनेटर तीनों का एस माइनस वन एस माइनस टू एस प्लस थ्री, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू अपॉन एस माइनस वन एस माइनस टू एन एस प्लस थ्री, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अभी ये जो ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इस इक्वेशन को अंदर मुझे सॉल्व करना होगा, जैसे कि ये ब्रैकेट सॉल्व करना, एस इंटू एस एस स्क्वायर माइनस या फिर एस प्लस थ्री एस इंटू थ्री थ्री एस, ये एस इंटू एस एस स्क्वायर आया, देन दिस एस इंटू थ्री थ्री एस हुआ, माइनस टू इंटू एस माइनस टू एस एंड माइनस टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, ओके, प्लस बी इंटू सेम एस इंटू एस, ब्रैकेट सॉल्व करना है, एस स्क्वायर ओके प्लस थ्री एस, देन ब्रैकेट सॉल्व करना है, सॉरी सी इंटू ओके, सो इनको हमको जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, ए इंटू माइनस थ्री एस माइनस टू एस कितना हो गया, प्लस थ्री एस माइनस टू एस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस सिक्स, प्लस बी इंटू ये कितना आ गया, थ्री एस में से एस गया एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री, प्लस ये प्लस सी एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू, ओके। अभी इनको मुझे फर्दर आगे आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है, फर्दर आगे कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसको, अभी ध्यान देना है कैसे, कि अभी ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू ए एस स्क्वायर प्लस ए एस माइनस सिक्स है, ये ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस बी एस स्क्वायर प्लस टू बी एस माइनस थ्री बी, प्लस सी एस स्क्वायर माइनस थ्री सी एस प्लस टू सी, राइट है, इसको यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू
ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर साथ में लेके आओ, और इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर साथ में लेके आओ और ए स्क्वायर कॉमन निकालो। देन याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी ये टर्म का काम हो गया, बचा क्या अभी एस के साथ वाले टर्म, ए एस टू बी एस एंड थ्री सी एस। सो प्लस बाहर रखो, अंदर कॉमन क्या क्या आएगा, ए प्लस टू बी एंड माइनस थ्री सी, और बाहर क्या रहेगा। ओके तो इनका भी काम खत्म, बचे क्या अभी माइनस सिक्स है माइनस थ्री बी प्लस टू सी। अभी मैं बाहर प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर उसके अंदर यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर बचेगा क्या माइनस सिक्स है, वही बचेगा ना माइनस सिक्स है माइनस थ्री बी प्लस टू सी, क्योंकि इनसे कुछ कॉमन निकालना नहीं है। अभी आगे का जो स्टेप होता है ना उसको बोलते हैं इक्वेटिंग ऑफ पावर्स। क्या करना पड़ेगा हमको, पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। अभी पावर को इक्वेट करना मतलब क्या, यहाँ पर एस स्क्वायर है यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इसका एस स्क्वायर के साथ, यहाँ पर ये है तो मैंने लिख दिया एस स्क्वायर के साथ, यहाँ पर क्या है एक वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन। ओके यहाँ पर देखो सिंपल एस के टर्म के साथ क्या है टू, मतलब ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी, और लास्ट में माइनस सिक्स ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू क्या आएगा। आपके पास थ्री अननोन्स है और थ्री इक्वेशंस है, तो बाय यूजिंग कैलसी यू कैन सॉल्व दिस टर्म्स नो। तो आप सॉल्व करेंगे, कैलसी निकालो अर्पित। नहीं लगा क्या अभी हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। मोड में जाना पड़ता है इक्वेशन में, और आपको पता है कैसे सॉल्व करना पड़ता है, थ्री अननोन्स, ये ए के साथ क्या क्या टर्म है, ठीक है, ये ए के साथ क्या है वन, बी के साथ वन, सी के साथ वन, कांस्टेंट वन, देन यहाँ पर ए के साथ वन, बी के साथ टू, सी के साथ माइनस थ्री कॉन्स्टेंट टू, यहाँ पर ए के साथ माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस टू टू। आपका आंसर आ जाएगा, पहला आंसर आया ए का आंसर आया माइनस वन पॉइंट टू फाइव, बी का आंसर आया टू, और सी का आंसर आया 0.25। ए बी सी ये तीनों के आंसर आपको आ गए। अभी आपको इनवर्स के बारे में सोचना है, बस खत्म। लैपलास इनवर्स ये भाई का करना, मतलब ही लैपलास इनवर्स ये तीनों का सेपरेटली करना, और आगे के फॉर्मूलाज आपको पता है इनवर्स के, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या करूँगा मैं, लैपलास इनवर्स ऑफ ए का आंसर आया था माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई एस माइनस वन, प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ टू डिवाइडेड बाई एस माइनस टू, प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ 0.25 डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री। आप यहां पर से माइनस 1.25 बाहर निकाल सकते हो, अंदर बचेगा क्या वन अपॉन एस माइनस वन, प्लस लैपलास इनवर्स यहां पर आप टू कॉमन निकाल सकते हो बाहर, वन अपॉन एस माइनस टू, प्लस यहाँ पर से आप 0.25 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस थ्री। सॉरी अभी इसका इनवर्स का आंसर क्या है, प्लस ए क्या है, ओके सो माइनस 1.25 इनटू ई रेस टू माइनस प्लस टी,
या फिर आप यहाँ पर 1t भी लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर ई रेस टू 2t प्लस 0.25 इंटू ई रेस टू माइनस 3t, एंड ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म, काम खत्म। ओके, सो ये आपको आना है, करना है। तो इसमें सिंपल आपको यहाँ तक अगर आपका बराबर आ रहा है, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको सॉल्व करना पता है, तो इनको सॉल्व करना कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, अभी मैंने ये ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाया था, अभी मैं क्वेश्चन उठाता हूँ बुक से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज को छोड़ के ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एस प्लस 29 अपॉन एस प्लस 4, एस प्लस 4 और क्या है एस स्क्वायर प्लस। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है, एस प्लस 9 अपॉन एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मुझे इसका इन्वर्स लैपलास करना है गाइस, क्या करना है मुझे इसका इन्वर्स लैपलास करना है। तो इन्वर्स लैपलास करने के लिए मुझे किन किन टर्म्स की जरूरत होगी? ठीक है, इन्वर्स लैपलास हमें इसका करना है, दिख रहा है ना अर्पित तुमको? Yes, दिक्कत नहीं ना? सो इसका लैपलास इन्वर्स करना, एस प्लस 29, वेरी गुड, अच्छा क्या बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी क्या करते हैं, लैपलास इन्वर्स इसका करना, तो आप पहले इन्वर्स लैपलास इन्वर्स आपको पता है इसका करना है, लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन करते तो इन्वर्स का साइन न डालते हुए हम लोग पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे a अपॉन s प्लस 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो सिंपल यहाँ पर a आएगा। बट क्या ये टर्म a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है क्या? नहीं, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर आता है, जब भी यहाँ पर स्क्वायर आता है तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट लेने होते हैं, बी एस प्लस सी। ठीक है, ये लेना होता है हमेशा, बी एस, बी सफिक्स एस प्लस सी, मतलब ए सिंपल यहाँ पर एक ही कांस्टेंट आता है, और एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसी जो टर्म होती है वहाँ पर दो कांस्टेंट आते हैं बी और सी, और कुछ इस तरीके से लेना होता है, और नीचे हमको एज इट इज लिखना होता है एस स्क्वायर प्लस 9। एस प्लस 9 होल स्क्वायर, एस प्लस 9 एक बार और आगे यस दो बार लेना होता है, वैसे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 4। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, ए एस स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4 बी एस, राइट ना, 4 बी एस प्लस सी एस प्लस 4 सी। ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया है मैंने, आप आराम से करो घर पे। ठीक है, आपका भी आंसर यही आएगा, ए एस स्क्वायर और बी एस स्क्वायर को साथ में लो, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, 9 अभी एस एस की टर्म्स, 4 बी एस और सी एस इनको साथ में ले लो, 4 बी एस प्लस सी एस साथ में लिया प्लस, तो ये गया ये गया और ये गया ये गया। अभी कॉन्स्टेंट टर्म कौन से है, 9 ए और 4 सी, सो 9 ए और 4 सी को मैंने साथ में लिया, यहाँ तक खत्म। अभी इनमें से आप एस स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, सो एस स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर बचा क्या ए प्लस बी, यहाँ पर आप एस एस को कॉमन निकाल सकते हो, सो 4 बी प्लस सी और बाहर आया एस, और ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इनमें से किसी को कॉमन निकालने की या फिर कॉन्स्टेंट एस कॉन्स्टेंट बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको देखता हूँ, अभी यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया था तो डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, राइट है, और यहाँ पर भी क्या है एस प्लस 29 अपॉन एस प्लस 4 और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये दोनों तो कट जाएंगे यहाँ पर ही, ये मैंने ऊपर बताया नहीं लेकिन कट जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है एस प्लस 29 है और राइट हैंड साइड में ये टर्म है। अभी क्या करता पड़ते, अभी हम क्या करते हैं, अप्लाइंग इक्वेटिंग ऑफ पावर्स। ठीक है, मैं बस लिखता हूँ इक्वेटिंग ऑफ पावर्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एस स्क्वायर है, एस है और कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर एस स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं है, तो हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, जीरो एस स्क्वायर। सो यहाँ पर एस स्क्वायर एस स्क्वायर कंपेयर करो तो ए प्लस बी क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया, सो ए प्लस बी इज वॉट, ए प्लस बी इज जीरो,
राइट। सेकेंड एस और एस, यहाँ पर एस के साथ क्या है अर्पित, वन, तो फोर बी प्लस सी, फोर बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वन। नाइन ए प्लस फोर सी, नाइन ए प्लस फोर सी ये टर्म प्लस इज इक्वल टू क्या आएगी, ट्वेंटी नाइन। तो देखो कितने कॉन्स्टेंट है, एक दो तीन, तीन तीन वेरिएबल है जिसको हमको पता करना है, ठीक है, और तीन इक्वेशन है तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अभी क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए इज इक्वल टू माइनस बी करके रख सकते हो आप यहाँ पे, राइट ना, ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। सो यहाँ पर आप ए की जगह पे, ये थर्ड इक्वेशन में आप ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस बी लिख सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस नाइन बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन, और ये इक्वेशन आप एज इट इज लिख दो, प्लस सी इज इक्वल टू वन। अभी देखो लेकिन अगर आपको किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है तो ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर फोर लाना जरूरी है, तो आप ये इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फोर से। सो माइनस नाइन बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन, और ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन को जो मैं अभी यहाँ पर ये ऐसे स्टार किया हूँ, ये इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फोर फोर जार सिक्सटीन बी, और फोर इंटू सी फोर सी, और फोर वन जार फोर। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, सो ये कट जाएगा, माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, सो बी इज इक्वल टू माइनस वन। अभी ये जो है, ये जो है इसका जो आंसर आया है इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये किया है या फिर यहाँ पर कई भंगार मिस्टेक या फिर सिंपल मिस्टेक हम लोग ने की है कि नहीं की है। एग्जैक्टली राइट आंसर है, बी का आंसर आता है माइनस वन। अगर बी का आंसर माइनस वन आ रहा है तो ए कितना आएगा, वन, और ए की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो तो आपको सी का वैल्यू आ जाएगा। सो नाइन वन प्लस फोर सी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन, राइट। सो फोर सी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन, नाइन उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। सो फोर फाइव जा ट्वेंटी, सो सी का वैल्यू भी आता है कितना, फाइव, ए वन बी माइनस वन सी फाइव। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब ये जो टर्म्स हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ये टर्म्स की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, हमारा क्वेश्चन था एस प्लस ट्वेंटी नाइन अपॉन एस प्लस फोर एंड एस स्क्वायर प्लस नाइन, और बोला कि इसका लैपलास इनवर्स करो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और हम लोग ने यहाँ पर इसको ये मतलब ये किया, सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये यहाँ पर एक सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने पीछे लिखा हूँ यहाँ पे, और ए की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, बी की वैल्यू जो निकाली है, ए की वैल्यू निकाली है वन वो यहाँ पे रखूंगा, बी की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे रखूंगा, और सी की वैल्यू जो फाइव निकाली है वो यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर देखते हैं, ए की वैल्यू क्या आ रही थी मुझे, वन, सो वन आई वैल्यू अपॉन यहाँ पर इसके साथ क्या है, एस प्लस फोर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन, माइनस वन राइट ना, माइनस एस आएगी, प्लस सी की वैल्यू क्या आई, फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, बी के साथ मैंने माइनस वन रखा है, सी की वैल्यू आई थी फाइव, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन। अभी आप सॉरी एस स्क्वायर प्लस नाइन, अभी लैपलास इनवर्स इसका करना, मतलब लैपलास इनवर्स इसका करना, तो लैपलास इनवर्स में सेपरेट सेपरेट लगाता हूँ, वन अपॉन एस प्लस फोर, यहाँ पर से माइनस एन को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या, एस माइनस फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन, ठीक है, और लैपलास इनवर्स इसका करना। सो सबसे पहली बात लैपलास इनवर्स हम समझ लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी ये एक बार एस के साथ लिख सकते हो और एक बार पांच के साथ लिख सकते हो, समझ में आ रहा ना, लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन, ठीक है, ठीक है, माइनस साइन है ना बाहर, सो एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस लैपलास इनवर्स ऑफ फाइव अपॉन एस स्क्वायर ट्वेंटी नाइन, नहीं सॉरी नाइन, नाइन
राइट है। और अभी इसका लाप्लास इनवर्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने माइनस साइन यहाँ से लिया है तो यहाँ पर अर्पित यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, प्लस आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा ई रेस टू माइनस फोर टी। यहाँ पर एस है ना ऊपर, तो ऊपर अगर एस है और ये नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का, सो ए क्या हो गया थ्री, और ऊपर एस है तो आंसर क्या आता है कॉस थ्री टी प्लस पांच कॉमन निकालोगे बाहर, अंदर बचेगा क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर थ्री स्क्वायर ई रेस टू माइनस फोर टी माइनस कॉस थ्री टी प्लस फाइव इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, ये वन बाय ए वन बाय थ्री साइन थ्री टी, मतलब आंसर आया ई रेस टू माइनस फोर टी माइनस कॉस थ्री टी प्लस फाइव बाई थ्री साइन थ्री टी। अगर आपको ये थ्री को भी एलिमिनेट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेस टू माइनस फोर टी प्लस थ्री कॉस थ्री टी प्लस फाइव साइन थ्री टी, मतलब तीन को मल्टीप्लाई कर दिया बस करेक्ट टर्म से, तो आपको डिनोमिनेटर की टर्म वहां पर दिखेगी नहीं, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। अभी देखो ये एक टर्म्स हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, और ये जो टर्म है वही इस यहाँ पर ये खासियत थी, एक नई चीज़ आई, तो ये मैंने आपको ऊपर क्या लेना होता है, फिर हमको यहाँ पे हमको यहाँ पर बी एस प्लस सी लेना होता है जब एस स्क्वायर प्लस नाइन की टर्म रहेगी, ये टर्म के बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टर्म के रिगार्डिंग हमको ध्यान देना है। आगे की जो न्यूमेरिकल है, आगे का जो न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा घटिया न्यूमेरिकल लेते हैं, एक्सरसाइज का लेते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल नंबर फोर है, ठीक है, पहले के न्यूमेरिकल तो सिंपल है, एक्सरसाइज नंबर फाइव फिफ्थ में जो फोर्थ से पहले जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े सिंपल है, फोर्थ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। फोर्थ न्यूमेरिकल है क्या, ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल है क्या, फोर्थ न्यूमेरिकल है एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, और इसका मुझे लैपलास इनवर्स करना है। अभी लास्ट में आपको एस दिख रहा है, तो अगर एस दिख रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एस को कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा क्या, सॉरी ये एस क्यूब है, एस क्यूब है वो, तो यहाँ से अगर इसमें से अगर आपने एस बाहर निकाला तो अंदर बचेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू। राइट, फर्दर आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एस इसको तोड़ सकते हो, एस प्लस टू एस प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही भाई आंसर आएगा। ओके, सो एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस एस प्लस टू एस प्लस वन, लैपलास इनवर्स इनका करना, मतलब ए अपॉन एस, ये सिंपल टर्म है ना, तो यहाँ पर भी ए की कांस्टेंट दोगे आप, या फिर वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर बी अपॉन एस प्लस टू, यहाँ पर सी अपॉन एस प्लस वन, आगे का काम आपका है घर पे। ओके, क्योंकि क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है बस, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आपका वर्क है वो। आगे जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सिक्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फाइव, ये ऊपर क्या है, एस है, ठीक है। अभी ये भाई को हमको क्या करना है, बस ब्रेक करना है, तो इधर आपको बस क्या करना है, हमारे जो टेंथ तक की स्किल है उसको यूज़ करना है, कि मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, या फिर आप इसको कैल्सियम में भी कर सकते हो गाइस, मोड, ठीक है, इतना दान लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हो ही जाता है। डिग्री, आप डिग्री देखोगे तो कितनी डिग्री है, टू सेकेंड, तो आप एस के साथ क्या टर्म है, वन, बी के साथ क्या टर्म है, पाँच, सी के साथ क्या टर्म है, सिक्स, सो एक का आंसर आ रहा है माइनस टू, मतलब एस क्या आएगा एक बार माइनस टू, और एक बार एस क्या आएगा माइनस थ्री, सो ये एस प्लस टू या और एस प्लस थ्री, ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट्स, समझ में आया। सो इसको आप
इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, एस प्लस टू एंड एस प्लस थ्री, ये तो ऊपर वाले से भी सिंपल सम हो गया, ठीक है। आगे और न्यूमेरिकल है इसी तरीके से, सिक्स्थ न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए, ठीक है, थ्री एस प्लस सेवन डिवाइडेड बाई, ये भी उसी तरीके का है, समझ सकते हो आप, कर सकते हो, ठीक है। सेवेंथ न्यूमेरिकल जो है गाइस वो है, बड़ा दिख रहा है अभी कुछ, ये अभी ये कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई करके ये भी सिंपल में आ गया तो मज़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस क्यूब माइनस सिक्स एस स्क्वायर प्लस इलेवन एस माइनस सिक्स, अभी ये इतना डेंजर दिख रहा है, ठीक है, बट हमको क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना होता है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो, मतलब ब्रैकेट्स में तोड़ दो। तो हम इसको कैसे, ये देखो ये कितना पावर है इसका, हाईएस्ट पावर थ्री, तो मैं आपके पास डिग्री वाली कैसे रहेगी, मेरे पास डिप्लोमा वाली है, हम लोग जाते हैं मोड इक्वेशन में, अननोन्स को छोड़ के डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, थ्री, तो हाईएस्ट डिग्री के ऊपर ध्यान दो, हाईएस्ट डिग्री मैंने थ्री रखी, ठीक है। एस क्यूब के साथ क्या कॉन्स्टेंट है, वन, सो वन। बी एस स्क्वायर के साथ क्या कॉन्स्टेंट है, माइनस सिक्स। इलेवन एस के साथ क्या कॉन्स्टेंट है, सी के साथ, ये इलेवन एस, मतलब समझ में आ रहा ना, इलेवन, और लास्ट की टर्म क्या है, माइनस सिक्स। तो एक आया थ्री, तो एक आया प्लस थ्री आया, तो एस माइनस थ्री करके जाएगा, दूसरा आया एस वन आया, तो यहां पर पॉजिटिव वन आया, तो एस माइनस वन लिखूंगा, और तीसरा आया टू, तो s माइनस टू लिखूंगा, एंड दैट इज आपका ब्रैकेट का सॉल्यूशन, मतलब ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन इस तरीके से होता है, तो ये भी सिंप्लीफाई ही हो गया है, ठीक है। बट हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि जितना गंदा दिखता है उतना गंदा होता नहीं है वो, तो डरने की बात नहीं है। टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव, लैपलास इनवर्स इसका करना, मतलब लैपलास इनवर्स इसका करना, बट ये टर्म को मुझे पहले क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होता है। सो टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस माइनस थ्री, एस माइनस वन एंड एस माइनस टू, तो मैं इसको कैसे रखूंगा अलग से, एस माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एस माइनस वन प्लस सी अपॉन एस माइनस टू। अभी हम लोग क्या कर देगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ए के साथ जाती है ये दो टर्म एस माइनस वन एस माइनस टू, प्लस बी के साथ जाते हैं ये दो टर्म एस माइनस थ्री एस माइनस टू, प्लस सी के साथ जाते हैं ये दो टर्म एस माइनस थ्री, और यहाँ पर एस माइनस वन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ठीक है, और तीनों का एलसीएम नीचे जो आएगा वो आएगा एस माइनस थ्री एंड एस माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऊपर की टर्म जो है वो हाँ S लिखा नहीं मैंने, ओके ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म एज इट इज है, तो ये कट गया, ये कट गया। अभी टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव, इनका मुझे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, सो ये मैं एस स्क्वायर ओरली सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री एस प्लस टू, ठीक है, आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, प्लस बी इंटू एस स्क्वायर माइनस थ्री एस माइनस टू एस माइनस फाइव एस, थ्री टू जा प्लस सिक्स, प्लस सी इंटू एस स्क्वायर माइनस थ्री एस माइनस वन एस माइनस फोर एस, थ्री वन जा थ्री, ओके। टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव, अंदर बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए को, ए को मल्टीप्लाई किया, देन बी एस स्क्वायर माइनस फाइव बी एस प्लस सिक्स बी प्लस सी एस स्क्वायर माइनस फोर सी एस प्लस थ्री सी, बस ये सी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, प्लस थ्री सी, ओके दिख रहा है। अभी ए स्क्वायर बी एस स्क्वायर सी एस स्क्वायर साथ में लिखो, टू एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर, ये गया ये गया ये गया थ्री एस, बट देखो कैसे माइनस थ्री ए एस, ठीक है,
देन माइनस 5bs और माइनस 4cs, सो ये तीनों टर्म भी ले लिए साथ में, एट 2a 6b और 3c बचे, प्लस 2a प्लस 6b प्लस 3c, इनमें से s को कॉमन लेंगे हम लोग तो अंदर बचेगा क्या, a प्लस b प्लस c s स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस s को कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 3a प्लस हो जाएगा, 5b प्लस हो जाएगा, 4c भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस s को कॉमन लिया है, ठीक है, अंदर समझ में आ रहा है ना, तो यहां पर मैं s यहां पे लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है, देन ये एज इट इज रहेंगे प्लस 2a प्लस 6b प्लस 3c, ये जो तीन टर्म है 2a प्लस, इनको एज इट इज लिख दिया, यहां पर क्या है 2a स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5, अभी इक्वेटिंग ऑफ पावर्स सो मैंने पहले भी बता दिया है, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, a प्लस b प्लस c आएगा 2, ठीक है, a प्लस b प्लस c आएगा 2, देन यहां पर क्या आएगा, मैं क्या करता हूं देखो गाइस, ये इसमें साइन में आपको दिक्कत ही ना हो कभी कि अभी सर यहां पर कौन सा साइन लो, ये माइनस कंसिडर करो क्या कंसिडर करो, तो आप यहां पर बाहर प्लस ही ले आ करो, अंदर के साइंस क्या रहेंगे माइनस रहेंगे, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, माइनस 3a माइनस 5b माइनस 4c और अंदर आएगा प्लस, सो माइनस 3a माइनस 5b माइनस 4c, s के साथ यहां पर क्या है माइनस 6, ठीक है, देन 2a प्लस 6b प्लस 3c, 2a प्लस 6b प्लस 3c, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये टर्म है 5, अभी ये सेकेंड वाली देखो यहां पे, यहां से माइनस लोगे कॉमन 3a प्लस 5b प्लस 4c और यहां पर क्या है माइनस 6, सो माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो ये याद रखो कि यहां पर प्लस ही ले आ करो, हो गया, ये होने के बाद बस थ्री अननोन्स थ्री इक्वेशंस हम लोग कैलसी में डाल के सॉल्व करेंगे, सो मोड इक्वेशन थ्री अननोन्स 1, 1, 1, 2, 3, 2, 6, 3, 5, सो एक आ रहा है 2.5, एक आ रहा है 0.5, एक आ रहा है माइनस 1, सो मुझे इसका आंसर चेक करना है सेवेंथ न्यूमेरिकल का, एक आ रहा है, वन 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 टू थ्री फाइव फोर सिक्स, टू सिक्स थ्री फाइव, ठीक है, सो पहले ए का आंसर आ रहा है 2.5, बी का आंसर आ रहा है 0.5 और सी का आंसर आ रहा है माइनस 1, 2.5 मतलब क्या होता है गाइस 5/2 होता है, 0.5 मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी डिग्री की जो कैलसी होगी ना आपको शायद ये आंसर दे देगी, तो तसल्ली होगी, और ये 1/2 होगा और ये माइनस 1 का माइनस 1, सो ये जो तीन वैल्यू है वो यहां पर रखूंगा ए बी सी में, लैपलास इनवर्स इसका करना मतलब इनका करना, सो ए के जगह पर लिखता हूं मैं 5/2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 3 लैपलास इनवर्स ऑफ, ठीक है, प्लस बी की जगह पे मैं लिखता हूं 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ अपॉन एस माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है अर्पित, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ सी की जगह पे लिखूंगा माइनस 1, सो यहां पर माइनस बाहर ही लिख देता हूं, तो अंदर रहेगा 1 अपॉन एस माइनस 2, ये हो गया, इसमें से 5/2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, 5/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3 प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस, यहां पर ये तो एज इट इज ही रहेगा, सो भाई लोग आपको इसका आंसर पता है 5/2 एज इट इज आएगा, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं एक ही पेज पे 5/2 एज इट इज आएगा, इसका आंसर आएगा ई रेस टू 3t, राइट है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3 ई रेस टू 3t प्लस हाफ, इसका आंसर आएगा ई रेस टू t और इनका आंसर आएगा माइनस ऑफ ई रेस टू 2t, सो हम लोग टैली करते आंसर, अगर सही आया तो अच्छी बात है, गलत आया तो भी अच्छी बात है,
सो 1/2 ई रेस टू टी, करेक्ट, देख सकते हैं आप सेवेंथ, माइनस ई रेस टू 2t, करेक्ट, एंड 5/2 ई रेस टू 3t, करेक्ट। सो हम लोग ने ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो अच्छे से और करेक्ट, अच्छे से बराबर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इसी में हमको खुशी है, ठीक है। अभी देखो गाइस कि एक न्यूमेरिकल और मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जो इससे हटके है, ठीक है। इससे हटके न्यूमेरिकल क्या है जो मैं अभी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 19, जिसमें दोनों टर्म जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, 2s² - 1/s² + 1 and s² + 4, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे कि ये अगर s प्लस 2 के साथ रहता तो सिंपल एक कांस्टेंट लेता था, मतलब s प्लस 2 या फिर s माइनस 2, स्क्वायर की टर्म अगर यहाँ पर नहीं होती, लेकिन अगर है तो यहाँ पर दो वेरिएबल आते हैं, as प्लस b लिखना होता है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसके लिए cs प्लस d लिखना होता है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। नाउ हमारा आगे का पार्ट हम सबको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भी वही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और इधर बचेगा क्या, 2s² - 1 = इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ए एस स्क्वायर प्लस 4as प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4b, ये दो ब्रैकेट हम लोग ने सॉल्व किया है। यहाँ पर सी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी, ए एस स्क्वायर बी एस स्क्वायर सी एस स्क्वायर में से एस स्क्वायर को कॉमन निकाला हम, बोलो कौन सा क्यूब, एस क्यूब, हाँ वेरी गुड, ए एस क्यूब बी एस क्यूब और यह हो जाएगा सी एस क्यूब, नहीं सर बी एस नहीं होगा, बी एस स्क्वायर ही रहेगा, एक सेकेंड, ए एस स्क्वायर ए एस क्यूब हो जाएगा, और सॉरी बी एस स्क्वायर और यह सी एस क्यूब होगा, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर क्यूब के टर्म्स, ए एस और ए एस क्यूब और यहाँ पर क्या है सी एस क्यूब, सो ए प्लस सी आया एस क्यूब भाई, ओके सो ये दो टर्म गए क्यूब वाले, बी एस स्क्वायर एंड डी एस स्क्वायर है, दो टर्म है, सो इनमें से भी बी प्लस डी आएगा एस स्क्वायर, सो ये गया ये गया, सिंपल एस वाले टर्म जो है वो भी दो है, 4a प्लस सी एस आया, सो 4as और सी एस गया, और बचा क्या 4b प्लस डी, ओके 4b प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2s² - 1 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इनको मुझे क्या करना है सॉल्व। एस क्यूब की टर्म है क्या यहाँ पे, एस क्यूब की टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, सो a प्लस सी कितना हो गया 0, एस स्क्वायर की टर्म है क्या है, सो b प्लस डी क्या हो गया 2, एस की टर्म है क्या यहाँ पे कोई s के साथ, तो 4a प्लस सी कितना हो गया 0, और कांस्टेंट वाली टर्म है 4b प्लस डी कितना हो गया -1, राइट है कि नहीं है गाइस। सो देखो अभी यहाँ पर b प्लस डी है, यहाँ पर भी b प्लस डी है, तो इन्होंने हमारा अभी 4 अननोन 4 इक्वेशंस जो लेटेस्ट वाली कैलसी है ना उसमें 4 अननोन 4 इक्वेशंस वाले भी सॉल्व होते हैं, लेकिन ये हम लोग हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, लेकिन हमारे इस वाली कैलसी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो बी प्लस डी इज इक्वल टू 2 और ये है 4b प्लस डी इज इक्वल टू -1, मैं क्या करता हूँ माइनस माइनस माइनस, सो ये डी डी गया, 4b में से b गया -3b और ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, ओके सो प्लस किधर, ओके ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया -1 अपना प्लस 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, सो यहाँ पर b का वैल्यू आएगी -1, b की वैल्यू आई अगर -1 तो b प्लस डी इज इक्वल टू 2, सो -1 प्लस डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू भी कितनी आएगी 3, समझ में आ रहा है,
बी और डी मिल गए। और अभी ए और सी के साथ देखो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है और 4a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, दोनों जीरो जीरो है, माइनस 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 सी सी कट हो जाएगा, सो ए और सी जो है वो जीरो हो जाएंगे, दोनों भी जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3a इज इक्वल टू जीरो, सो a इज इक्वल टू जीरो और c भी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रखते हैं अभी, ठीक है। a की वैल्यू जीरो आई, a की वैल्यू जीरो आई, जीरो एस प्लस b की वैल्यू जो आई है, b की वैल्यू आई है माइनस वन, सो यहाँ पर जीरो एस माइनस वन आएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन, प्लस c की वैल्यू जीरो आई, सो यहाँ पर लिखूंगा जीरो एस प्लस d की वैल्यू जो आई है वो तीन आई है अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। लैपलास इनवर्स इसका करना, मतलब ही लैपलास इनवर्स इनका करना, सो लैपलास इनवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है इसका आंसर क्या है, माइनस साइन टी प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है, साइन टू टी। अभी ये कैसे आया, क्या आया, ये इसके बारे में हम लोग ने इनवर्स में बहुत पढ़ाई किया है, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज सॉल्व किया है, तो लेट्स चेक 19th एग्जैक्टली राइट आंसर, 3 बाई टू साइन टू टी माइनस साइन टी, ये वाला 19वां न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व, 3 बाई टू साइन टू टी माइनस साइन टी, ओके। सो ये भी न्यूमेरिकल हम लोग ने कर दिया सॉल्व। अभी इस टॉपिक से एक लास्ट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, देखो इसमें से फायदा, जो जिस चीज़ का फायदा नहीं है वो न्यूमेरिकल भी आपको बताता हूँ, जिसको आपको करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही है। न्यूमेरिकल नंबर 17, न्यूमेरिकल नंबर 17, देन न्यूमेरिकल नंबर 26, 32, 33, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिए है ना, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत टफ है और ऐसे न्यूमेरिकल्स कम से कम 10-15 मार्क के लिए आने वाले, ठीक है। अभी देखो मैं एक न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी डिग्री थ्री तक, यस यस। और ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, 17 न्यूमेरिकल क्यों नहीं करना है, वेस्ट क्यों नहीं करना है टाइम, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो कौन सा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ मैं, 15th न्यूमेरिकल, ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये मैं 15th न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, ये लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा, हमारा एक्सरसाइज ही कवरअप हो जा रहा है। 15th न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, 15th नंबर का न्यूमेरिकल जो कुछ इस तरीके से है, 4s प्लस 4 अपॉन s माइनस 1 दी होल स्क्वायर एंड s प्लस 2। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये आपका होल स्क्वायर है, तो ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, a अपॉन ये पहले रखो, सबसे पहले इसी को रखो। अभी देखो ये s माइनस 1 दी होल स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे सेपरेट करना है, एक बार s माइनस 1 लेना है और दूसरी बार s माइनस 1 द होल स्क्वायर करना है। अभी देखो ट्रिक, LCM लेते हैं हम लोग, बट याद रखना ये चीज़ को, s प्लस 2 और s माइनस 1 द होल स्क्वायर, इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यही टर्म आने वाली, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ना वो a के ऊपर इमेजिन करो, ठीक है, किसके ऊपर इमेजिन करो, a के ऊपर इमेजिन करो, तो क्या क्या हट जाएगा, s प्लस 2 हट जाएगा और a के साथ क्या आ जाएगा, बस s माइनस 1 स्क्वायर। देन लास्ट में जाओ, ये s माइनस 1 स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज रखो, तो c के साथ क्या दिखेगा आपको, बस s प्लस 2, जबकि ये s माइनस 1 स्क्वायर और ये s माइनस 1 स्क्वायर कट हो जाएगा। और b के साथ देखो, b के साथ ये जो टर्म है वो ऊपर रखो, सो b के साथ अगर s प्लस 2 और s माइनस 1 दी होल स्क्वायर है, तो ये s माइनस 1 एक बारी और यहाँ का कट हो जाएगा, तो b के साथ क्या रखेगा आपको, बस s प्लस 2 और s माइनस 1 खत्म। ये मेरा बस ये है, इसको पहले नहीं लिख सकते, मत लिखा करो वैसे, ठीक है, लिख सकते हैं बाद में ही, बेटर रहता है, कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। 4s प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वही टर्म है, तो ये कट ये कट, 4s प्लस 4 a, इनको सॉल्व करना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस
ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, एस इंटू एस एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस एस प्लस एस माइनस टू प्लस सी एस प्लस टू सी ए एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी एस माइनस टू बी प्लस सी एस प्लस टू सी। ओके, एस स्क्वायर वाली टर्म लोगे ए प्लस बी एस स्क्वायर, ठीक है, ये गया प्लस एस एस वाली टर्म लोगे तो अंदर क्या बचेगा माइनस टू ए, ये गया, ठीक है, प्लस बी प्लस सी और बाहर क्या बचेगा एस। और कांस्टेंट टर्म कौन से ए माइनस टू बी प्लस सी, ए माइनस टू बी प्लस टू सी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फोर एस प्लस फोर है, राइट है, सो इक्वेट करो ए प्लस बी जीरो हो जाएगा, देन माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और ए माइनस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। थ्री अननोन्स थ्री इक्वेशंस सीधा सीधा कैल्सियम में डाल दो, यहाँ पर ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो ए इज इक्वल टू गाइज माइनस बी, ठीक है, अगर आपको हाथ से भी सॉल्व करना है तो वो भी बेटर रहता है, ए इज इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हो, सो हाँ टू ए के जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस बी प्लस टू बी। ओके एक सेकेंड, और यहां पर भी ए के जगह भी क्या लिख सकते हो माइनस बी, ठीक है, दोनों आंसर फोर फोर है। माइनस टू बी माइनस माइनस ये प्लस टू बी हो जाएगा, प्लस टू बी और बी थ्री बी माइनस बी माइनस टू बी माइनस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू फोर। अभी मैं इसको क्या करूंगा, प्लस करता हूं, ठीक है, ये हट जाएगा डायरेक्टली, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री सी, ये फोर फोर एट हो जाएगा, सो सी इज इक्वल टू एट बाई थ्री, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आई एट बाई थ्री। अभी ये सी की वैल्यू एट बाई थ्री आई है, वो किसी भी एक इक्वेशन में रखो, इसी में ये, हाँ ये जो इक्वेशन है, तो मुझे b मिल जाएगा 3b बी प्लस एट बाई थ्री इज इक्वल टू फोर, ये c की जगह पे 8 बाई थ्री रख दिया, सो 3b बी फोर माइनस एट बाई थ्री, थ्री बी थ्री फोर जा 12 माइनस एट बाई थ्री, सो ये 4 बाई थ्री, सो b क्या आ जाएगा 4 बाई नाइन, ठीक है, डिविजिबल बाई टू भी नहीं है, b की वैल्यू आई 4 बाई नाइन, और a क्या है माइनस बी, सो a क्या आ जाएगा माइनस 4 बाई नाइन। आगे बस आपको सॉल्व करना है, मैं जो न्यूमेरिकल है 15 कर रहा था, ठीक है, तो 15 न्यूमेरिकल में देखो 4 बाई नाइन आ रहा है बाहर, सिंप्लीफाई किया रहेगा उन्होंने, ठीक है, ये 9 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया रहेगा डिनोमिनेटर में और 9 बाहर निकाला रहेगा बस। ओके सो आगे आपको ये न्यूमेरिकल अर्पित सॉल्व करेंगे, और इसके बावजूद कि मैं आपको बोल रहा था कि 17th जो न्यूमेरिकल है गाइस ये क्यों नहीं करना है, 17th न्यूमेरिकल क्या है, 1 अपॉन s माइनस 2 रेस टू पावर कितना है 4 और s प्लस 3। अभी मैंने कौन सा पावर का न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया, अभी s माइनस 1 दी होल स्क्वायर वाला, तो दो बार रिपीट हुआ, ठीक है, एक बार सिंपल s माइनस 1, दूसरी बार s माइनस 1 दी होल स्क्वायर। अभी अगर आप यहां पर लोगे a अपॉन s प्लस 3 प्लस बी अपॉन, एक बार ये एस माइनस टू को चार बार ब्रेक करना होगा, एस माइनस टू सी अपॉन एस माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एस माइनस टू दी होल क्यूब एंड ई अपॉन एस माइनस टू दी पावर फोर, और पावर फोर का अलग एक्सपांशन, पावर थ्री का अलग एक्सपांशन, पावर टू का अलग एक्सपांशन, और ये हो जाता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे न्यूमेरिकल आपने एग्जाम्स में भी नहीं देखे रहेंगे, सो ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया है ये आप मत अटेम्प्ट करो, ठीक है, कुंभोज कोर्स साहब ने एक्स्ट्रा मेहनत की है। ये जो न्यूमेरिकल है आगे का, ये अर्पित यहाँ से आगे सॉल्व करेगा, फाइनल आंसर देंगे और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस।